नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं LDC भर्ती की एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग में चयनित उन LDC अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ जिन्होंने जिला बदलाव के लिए परिवेदना लगाई थी। अर्थात परिवेदना वाले अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है, तो इस खबर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट हैं वो भी आपको मिलती रहे। साथियों, यहाँ पर परिवेदना के माध्यम से कुछ अभ्यर्थियों को द्वितीय सूची के माध्यम से परिवेदना में कुछ जिलों में बदलाव किया गया है, वो सूची मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से ये ऑफिस ऑर्डर है। इस ऑफिस ऑर्डर के माध्यम से यहाँ दे रखा है कि निम्नांकित कार्मिकों का मंडल या जिला स्थानांतरण करके उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6, अर्थात कॉलम नंबर 6 में उन्हें भेजा गया है। अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित जिले में किया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को आगामी पद स्थापन हेतु सुपुर्द किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों की सूची दे रखी है उनमें यहाँ पर कार्मिक का नाम दे रखा है, और पद आप जानते ही हो सबका LDC है। लेकिन पहले आपको कहाँ पद स्थापित किया गया था, उस पदस्थापित जिले या विद्यालय में से बदलाव करके, उस मंडल से बदलाव करके आपको किस जिले या मंडल में भेजा गया है, ये यहाँ पर कॉलम नंबर 6 और 7 में दे रखा है। कॉलम नंबर 6 में आपको जो जिला दिया गया है वो, और कॉलम नंबर 7 में जिस मंडल में आपको भेजा गया है वो। तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों की सूची दे रखी है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल लगभग 13-14 अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर दे रखी है जिनके जिले में बदलाव किया गया है या मंडल में बदलाव किया गया है। इन कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा एवं योगकाल देना ही होगा। कार्मिक का स्वेच्छा से मंडल परिवर्तन होने के कारण नवीन मंडल में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात इन अभ्यर्थियों को एक जो नुकसान होने वाला है वो है कि आगे अगर किसी भी प्रकार की वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी तो मंडल के अकॉर्डिंग इन अभ्यर्थियों को कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी इनकी जो समस्या थी मेन की परिवेदना के माध्यम से हमें गृह जिला या गृह विद्यालय या गृह मंडल मिलने की संभावना थी, वो कुछ अभ्यर्थियों की हल तो हो गई है, लेकिन परिवेदना के माध्यम से स्पष्ट तौर से आप सब अभ्यर्थी जो परिवेदना को लेकर काफ़ी चिंतित हैं वो ये जान ले कि परिवेदना के निस्तारण के पश्चात यदि आपका मंडल या जिला चेंज होता है, मुख्यतया मंडल चेंज होता है, तो आगे कभी भी यदि किसी भी प्रकार की वरिष्ठता सूची जारी की जाती है तो उसमें इन अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बैक पॉइंट रहेगा कि सीनियर लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों को पहले से ही उस मंडल में पदस्थापित किया गया है केवल और केवल उन अभ्यर्थियों को ही पहले वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाएगा। और मंडल परिवर्तन के बाद जो अभ्यर्थी अभी अब नेक्स्ट जब भी इनको ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी उस तारीख से ही इनकी वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी, इससे पहले नहीं। चाहे इन्होंने पहले किसी भी विद्यालय में कभी भी ज्वाइन किया है उस डेट को वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अभ्यर्थी जो अभी भी वरिष्ठता सूची के लिए अगर ध्यान रखना चाहे तो वो परिवेदना के माध्यम से बदलाव किए गए विद्यालय में नहीं जाना चाहे तो नहीं जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार की एक महत्वपूर्ण समस्या है तो महत्वपूर्ण समस्या को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने मंडल में बदलाव करें, ताकि आपको आगे आने वाली वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे दोस्तों। धन्यवाद।